वेलकम बैक टू माई चैनल गैरी वॉकर एंड इट्स अ लास्ट डे इन हेरिटेज रिजॉर्ट सांबर ले एंड यहाँ पे मेरा स्पेक्स खो गया था कल ट्रेन राइड में, तो आई जस्ट वोक अप एट 6:30। मतलब मैं रात को सोई 3 बजे, 6:30 यहाँ से उठ के बस वॉक करने निकल गई हूँ कि मैं अपना चश्मा ढूंढ पाऊँ, वो भी ट्रेन की पटरी पे। मुझे नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलेगा तो भी कुछ नहीं होता। एंड मुझे बहुत प्यारा सनराइज दिख रहा है, आई एम सो ब्लेस्ड टू सी दैट सनराइज, मज़ा आ गया है। साथ में हमारे दो दो पेट्स हैं, ये है एंड शेरू है। तो भाई बहुत ही वियर्ड सा एक्सपीरियंस अभी हमारे साथ हुआ है एंड हमारे पीछे डॉग्स पड़ गए थे और हमारे साथ छोटा सा जो पिल्ला चल रहा था ना साथ साथ उसके पीछे पड़ गए थे। एंड भाई यहाँ इतने कांटे कूटे हैं, वहाँ कुत्ता है और हम ऐसे भाग रहे हैं और वापस से हम लोग वही वाला कुत्ता है, वही वाला कुत्ता है हाँ। वो हमें पहचान रहे हैं, नहीं वो देख नहीं रहा। तो भाई बहुत वियर्ड सा एक्सपीरियंस हो रहा है, मेरा स्पेक्स ढूंढना एक ट्रेजेडी बन गया है अभी, तो मुझे लग रहा है पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा जिस हालत से हम लोग चल रहे हैं। एग्जिट कर रहे हैं एंड थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी। कल मुझे यहाँ के जो मैनेजर हैं उन्होंने मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था कि यहाँ की क्या क्या स्पेशलिटी है जो आप सबको पता होना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस डे। सो यहाँ की जो स्पेशलिटी है यहाँ क्या है, सांबर लेक। बिकॉज यहाँ पे सांबर लेक मतलब सांबर लेक एक ऐसी जगह है जहाँ पे नमक अपने आप से बन रहा है, वरना इंडिया में कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे समुंदर में, मतलब समुंदर में हमने सुना है कि नमक बनता है, बट यहाँ पे नेचुरली वो बन रहा है बिना समंदर के। सो इट्स लाइक कि ये सुन के मेरे को बहुत शॉकिंग लगा था एंड कुछ कुछ चीज़ें और थी ऐसी। एंड ये हेरिटेज साइट है तो यहाँ पे एक रिजॉर्ट नहीं है बट रिजॉर्ट के साथ मूवमेंट्स अटैच है, लाइक हर एक छोटी छोटी प्लेस में अलग अलग चीज़ें हैं। मंदिर को भी, इन मंदिर के पीछे एक स्टोरी है, हॉल के पीछे एक स्टोरी है, इन रूम्स के पीछे एक स्टोरी है। लाइक जब यहाँ पे शूटिंग हो रही थी तो ये रूम्स कितनी जल्दी बनाए गए थे, तो हर छोटी छोटी चीज़ों के पीछे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं। तो स्टे नहीं, स्टे के अलावा एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करने को मिलेंगे यहाँ पे बहुत, लाइक आप इन्जॉय कर सकते हैं। प्लस इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप लोग एक डे में नहीं, आपके पास दिन कम पड़ जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। एंड जो रेस्ट के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट प्लेस होने वाला है, बिकॉज सामने आपको सॉल्ट लेक दिखेगा, वहाँ पे आप डिनर करें, इन्जॉय करें, नेक्स्ट आप पूरा रिजॉर्ट का व्यू इन्जॉय करें, साथ में पूल है, पूल में अपना पार्टी वार्टी करें, फिर डिनर, ब्रेकफास्ट, उसके लिए एक पर्टिकुलर हॉल है जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं। मतलब आई गेस कि फुल कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, आप सबके लिए। अगर आप लोग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्स हमने दे रखी है, तो मेरे हिसाब से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लस आपने मेरे 2-3 दिन से व्लॉग्स अगर चेक करे होंगे तो भाई आपको पूरा पता लग गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या है एंड हमने कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करी है। प्लस पास में उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक दरगाह है जहाँ पे शायद हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे मेरे को नहीं पता, बट जो दरगाह यहाँ पे है वो काफ़ी फेमस दरगाह है कि जो अजमेर शरीफ है उनके पोते का यहाँ पे दरगाह बना हुआ है। एंड ऐसा बोला गया था कि जो विश वहाँ पूरी नहीं होती है लोग यहाँ पे आते हैं, इस दरगाह में आते हैं सांबर में स्पेशली वो विश पूरी करने, तो यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, तो हर रिलीजन के लोग यहाँ पे वेलकम है। सो ज़रूर इस प्रॉपर्टी को विजिट करना, आई डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों को पसंद आएगा। प्लस हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस तो यार मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग देख ही चुके हैं कि कितना अच्छा हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर मोर व्लॉग्स कमिंग सून, बाय बाय। जाते जाते भी हमने बहुत सारा घूमा है एंड मैं गिर भी गई, देखो मेरे हाथ में चोट लगा है, यहाँ से भी दिखाती हूँ, मेरे को चोट लगा है, बट फिर भी मैं अपना पैशन नहीं भूलूँगी
और अभी हम लोग आए हैं शाकंभरी टेम्पल, जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग मतलब लाइक हिस्ट्री जो भी है वो अंदर हम पंडित जी से पूछेंगे, वो हमें सारी डिटेल्स देने वाले हैं। एंड ये लोकेशन बहुत प्यारा है, बस गर्मी बहुत ज़्यादा है। देख लो यहाँ घूम घुमा के एरिया को फोटो वोटो वगैरह ले लिया। बस ये कौन सा एरिया है? ये जयपुर जिले का आखिरी बॉर्डर है। ये जयपुर जिले का आखिरी बॉर्डर है? बॉर्डर है। अच्छा, कब से है? कितना पुराना मंदिर होगा? बहुत पुराना है सर। बहुत पुराना ये कम से कम नहीं तो 300 वर्ष 250 300 वर्ष शाकंभरी माता का मंदिर है। 250 300 माइंडेड मंदिर है। मतलब मतलब यहाँ पे हम लोग पृथ्वीराज चौहान के टाइम का मंदिर बना हुआ है। पृथ्वीराज चौहान के टाइम का है? टाइम का मंदिर है वो, ऊपर छतरी बनाई हुई है, वो उसका टाइम की बनाई है। मोहम्मद आजाद पृथ्वीराज चौहान उसकी टाइम का मंदिर है। अच्छा, तो वो भी आता हो? वो भी उस टाइम यात्री आते हैं। बहुत यात्री आते हैं। बम्बई कलकत्ता, बम्बई अहमदाबाद हैदराबाद सारे आते हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा बहुत यात्री आते हैं। शूटिंग होती है? शूटिंग भी होती है? बिल्कुल सब। ओ, इतना फेमस है। शूटिंग होती है। अच्छा, माता जी ने राजा चौहान थे वासुदेव, उनको पर्चा दिया था और उनको कहा था कि जहां तक आप जाओगे वहां तक चांदी की झील हो जाएगी। राजा ने यहां से घोड़ा लेकर 36 किलोमीटर के एरिया में चक्कर लगाया तो उनको लगा कि अगर झील चांदी की हो गई तो जनता लड़ेगी। तो उन्होंने वापस घूम के देख लिया और उस जगह पर चांदी की जगह कच्ची चांदी हो गई। जब ऊपर से देखते हैं ये नमक कच्ची चांदी के रूप में चमकते। माता जी ने बादशाह हुए थे, मुगल बादशाह थे, उन्होंने भी यहाँ पर आक्रमण किया था तो माता जी के बहुरों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था और पूरी मुगल सेना वापस बस गई थी। तो माता जी का उन्होंने आस्था रखते हुए जो ऊपर छतरी बनी हुई है पहाड़ी के ऊपर वो मुगल बादशाह ने बनाई थी, आज भी वहाँ पर शिलालेख लगा हुआ है। माता जी के चरणों में एक सुरंग है जो इधर दिल्ली जाती है इधर अजमेर जाती है। पुराना इतिहास है बहुत और बहुत पुराना मंदिर है। शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। माता जी के घोड़े का जो अपने गुड्डा होता है घुटना उसका यहाँ पर प्रकट हुआ नवरात्रों में और भादवा सुदी अष्टमी और पौष पूर्णिमा को माता जी का मेला हुआ। मंदिर टोकन कितने पावर साहब? अब आप हम हरिद्वार जाते हैं ऋषिकेश जाते हैं कितने भी टायर्ड हो 1000 किलोमीटर चल के जा रहे हो, आपने जैसे डुबकी लगाई आप रिफ्रेश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर से जितनी जड़ी बूटियाँ आ रही हैं जो पानी के साथ बह के आ रहा है पहाड़ों में से हज़ारों लाहौर बॉर्डर रखोगे तो महीने में खराब हो जाएगा। हज़ारों लाखों ऋषि मुनियों ने जो पूजा करी वहाँ पर जो रमाई है उसका पावर फ्लो है। एनीवेज तो कोई भी स्पिरिचुअल कोई जगह हो लाइक रिलीजियस जगह हो तो उसका पावर होता ही है। तो वो तो 1500 साल पुराने माता जी तो जो तेज आता है ना जो बोलता है वो बहुत फुल उठता है। यहाँ अभी जो पिछले साल भर से मैं देख रहा हूँ, मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ सांबर में, लेकिन हमारी पूजा है हम रात को सोचते हैं ना कि यार हमें सुबह ये चीज़ चाहिए, मातेश्वरी कहाँ से करेगी सुबह व्यवस्था हो जाए। मतलब जब ब्रश का निर्माण हुआ था यहाँ व्यवस्थाएँ कुछ भी नहीं थी, हमारे पास बैठने के लिए आप मान लो दरी भी नहीं। तो रात को सुबह मीटिंग होने वाली है कि ट्रस्ट के पदाधिकारी आएंगे कैसे बैठेंगे, आप यकीन नहीं करोगे। हम सुबह उठ के हमने जैसे दरवाज़ा खोला ना तो 5 बजे आदमी तैयार था, सुबह दरवाज़ा बजा रहा था कि भाई साहब ये टेंट का सामान, ये दरिया, ये हमारी तरफ से माता जी के लिए। फिर गर्मी आई, वाटर कूलर की व्यवस्था चाहिए थी, अपने आप मातेश्वरी भेजा, नीचे एक वाटर कूलर लगा हुआ था, ये ऊपर वाला खराब हो गया था। मतलब फिटिंग करने वाला पाइप सब लेके सुबह सुबह यहाँ आ गया था। ये मतलब गजब चमत्कार है। मैं दर्शन करने पंडित जी को आया था यहाँ, ये वाला जो दर्शन है ये आप ही यहाँ का। हाँ, तो मैं लकी ऐसे टाइम पे पहुँचा शाम को जब आरती स्टार्ट हो रही थी। हाँ। तो मैंने वो आरती पूरी अटेंड करी, वो बड़ी आपके यहाँ काफ़ी लंबी। हाँ, लंबी हम आधे घंटे चली ये वाली, फिर ये वाली आरती पूरे मंत्र, मतलब जितना उच्चारण हो सकता है ना, मतलब बहुत बड़ी आरती और इतनी मतलब पावरफुल आरती अटेंड करी।
पहले क्या होता था, यहाँ पर अंदर जाते थे, स्पर्श करते थे माता जी को, तो शक्तिपीठ जो होता है ना, अगर आप उसको प्रॉपर उसकी सेवा नहीं करोगे तो रिफ्लेक्ट करेगा, जो दोष होता है ना उसका, वो उल्टा दोष देगा, बहुत ज्यादा देगा। तो अभी जब हमने पूरे हमारे ट्रस्ट बनी, हमने और संतों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ स्पर्श मत करो, ये शक्तिपीठ है, दूर से दर्शन कराओ सबको, चाहे कोई भी आओ, अभी कोई भी आता है, बड़ी मंत्री भी आ जाओ, वो यहीं बैठेगा, यहीं से उसकी पूजा अर्चना होगी। पहले हम यहाँ से वो घुटना दिखा देते हैं, घुटना जो प्रकट हुआ था ना, वो इस जगह प्रकट हो रखा है, उसका हम उसको लोग दिखा देते हैं हमारे परिवार के लोग। लेकिन फिर बाद में यूँ आया कि अपनी माता बहन, कोई भी बहन हो, क्या अपन उसका पेटी रोड ऊपर कर सकते हैं क्या? फिर हमने उसको आप जब गर्मी से आते हो तो आप कुछ ऐसे हो जाते हो, और यहाँ पे देखो पसीने पसीने पसीने, बहुत ज़्यादा पसीने हैं ना, बहुत पसीने, इसके फिर भी कम दिख रहे हैं, मेरा तो पूरा चेहरा बिगड़ गया, शक्ल क्या मतलब बैंड बज गया हमेशा की तरह, और जो धूप भाई धूप भाई धूप, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं थोड़े टाइम बाद जादू बन जाऊँगी, वो कोई मिल गया वाला, और फिर करूँगी धूप जिससे मेरे को एनर्जी मिले, विटामिन डी मिले, है ना, विटामिन डी होता है ना धूप से, विटामिन डी मिले, बहुत कुछ मिले, मेरे को ऐसे लग रहा है मैं खाना कम धूप ज़्यादा खा रही हूँ, तो चलो जब तक हम लोग बातचीत कर लेते हैं, धूप में नहीं, धूप में नहीं, मेरे को धूप में बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, मेरा सबसे पहला सोलो ट्रिप था, बट यहाँ आके पता चला कि हम सोलो एक्चुअली हैं ही नहीं, हम लोग सब साथ में हो गए, एज अ फैमिली हो गए, ऐसा लग रहा जैसे बहुत टाइम से एक दूसरे को सब जानते हैं, प्लस आपकी जो प्रॉपर्टी थी रिसॉर्ट, होम को रिसॉर्ट जैसा लगा ही नहीं, होम फीलिंग आई, ऐसा लगा हमारे घर हैं, मैं खुद किचन में आई, मैंने कॉफ़ी बनाई अपने हाथ से, अपने साथ में बैठे कॉफ़ी पी, वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं घर से बाहर हूँ, तो ट्रिप पे बहुत मज़ा आया, थैंक यू सैंडी सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आपके कारण ही, यही वो चेहरा है जिनके कारण मुझको यहाँ आने का मौका मिला है, देखो गौर से देखो इस चेहरे को, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी यहाँ पर आ भी पाती, मतलब मैंने इतना पढ़ा भी नहीं था इस जगह के बारे में, बट यहाँ आके पता चला कि बहुत अमेजिंग प्लेस है, ट्रिप्स के लिए ग्रुप वगैरह विजिट करने के लिए बहुत अच्छी जगह, ऑल इन ऑल दिल शांत हो गया, मजे आ गए, सुकून हो गया, मजा आई विनोद जी। सो अभी हम लोग जयपुर पहुँच चुके हैं, एंड हम लोग आए अभिषेक पोहा भंडार में, यहाँ का पोहा बहुत फेमस है, प्लस सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाता है, सो फाइनली गुड बाय, एंड मेरे चैनल को लाइक ज़रूर